पीड़ित परिवार यूपी सरकार से बेहद खफा है। परिवार ने यूपी सरकार का 5 लाख का मुआवजा ठुकरा दिया। परिवार ने आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग की है। राहुल गांधी से परिवार ने कहा कि पैसा उनकी बेटियों को वापस नहीं ला सकता। उत्तर प्रदेश के बदायूं में जो गैंगरेप के बाद हत्या की गई दो बहनों की, उस मामले में 5 आरोपी जिनके नाम दिए गए थे वो गिरफ्तार हो चुके हैं। अब उनके परिवार के साथ हैं और जानने की ये कोशिश करते हैं उनसे कि आरोपियों के गिरफ्तार होने के बाद उनकी क्या मांग है। अभी आप कल कह रहे थे कि सीबीआई जांच चाहिए, राज्य सरकार पर भरोसा नहीं है, ऐसे में अभी 5 आरोपी जो हैं अभी सुबह तक गिरफ्तार हुए हैं, तो अभी आप लोग क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं उन्हें जैसे हमारी बेटियों के साथ हुआ झूठा हुआ, मैं फांसी देखना चाहते हैं उनके साथ। आप लोग, आपने तो देखा था वो हादसा उस वक्त होते हुए, और आप उन दोनों लड़कियों के भाई भी हैं, तो आप जब ये 5 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं, 2 बाकी जो हैं वो अज्ञात हैं, तो ऐसे में अभी आप लोग उनके लिए सजा के तौर पर जैसे ये कह रहे हैं फांसी चाहते हैं, या क्या आपकी मांग है? फांसी मांग है मेरी। आपने कहा था कि राज्य सरकार पर आपको भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं है, फांसी चाहते हैं मगर भरोसा नहीं है इसमें। अभी भी आप ये चाह रहे हैं कि जो ये जांच है ये राज्य सरकार के द्वारा? राज्य सरकार चाहती, यूपी की सरकार चाहती तो मेरी लड़की ये हाल नहीं होता, जिंदा मिलती है लड़की। जो है सो हो रहा सो अच्छा, फांसी लगना चाहिए, हमारे लड़के के साथ हुआ था ऐसा, सो ही देखना चाहते हैं। तो अभी भी आपको ये लगता है कि कोई राज्य सरकार की तरफ से आप लोगों के पास कोई मदद पहुंची हो, या फिर कोई आपसे बातचीत करने की कोशिश की गई हो? हमसे कुछ नहीं, हमें ये मदद मिलती तो मेरी लड़की ही मिल जाती, तभी वक्त से कोई काम नहीं होता है। जब वक्त इतना होता तो ये हाल नहीं होता, मेरी लड़की सुरक्षित मिलती। तो अभी आप लोग का सीधा सीधा कहना है कि उन आरोपियों को सख्त सजा? हाँ, सख्त सजा मिला है कि फांसी का सजा मिला है। ये उन दोनों बच्चियों के परिवार वाले हैं जिनका सीधा सीधा ये कहना है कि सख्त सजा यानी कि इनके नजर सीधा सीधा फांसी उन आरोपियों को होनी चाहिए, और राज्य सरकार के साथ लगातार इनकी नाराजगी जो है वो अभी भी साफ नजर आ रही है। कैमरामैन वीर पांडे के साथ विनीता यादव, एबीपी न्यूज़, उत्तर प्रदेश, बदायूं।